नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार पुनः। लेक्चर वन अपन देख चुके हैं, वो पूरा एक इंट्रोडक्टरी था, जस्ट आपको ऑप्टिक से इंट्रोडक्शन दिया गया था, और लास्ट में अपन जाते टाइम देख चुके थे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। अब अपन धीरे 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 यहाँ पे ऑप्टिक्स में आगे बढ़ते हैं, और पहली चीज़ जो हमें पढ़नी है वो है प्लेन मिरर। हम धीरे धीरे सब तरह के मिरर पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर भी पढ़ेंगे, लेकिन पहला जो पार्ट है यहाँ पे, पहला जो टॉपिक है हमारे पास वो है प्लेन मिरर। तुरंत तुरंत अपन देख लेते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो अपन पहले पढ़ चुके हैं। प्लेन मिररों का तो ऐसा हो जाएगा, ये इंसिडेंट रे है, ये मैंने नॉर्मल बना दिया, ठीक है, ये आई हो जाएगा, ये वाला एंगल आर है। ये अपन पहले ही पता कर चुके हैं कि एंगल आई जो है वो आर के बराबर होगा, और ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये सब लोग किसमें होंगे, एक ही प्लेन में होंगे, सेम प्लेन। ये बातें अपन पहले कर चुके हैं। अब ये सरफेस कोई से भी हो सकती है, हमने कर्व वाले में बात की थी, लेकिन ये सरफेस कोई से भी हो सकती है। अगर वो प्लेन होगी तो वो आइटम क्या बन जाएगा अपने पास, प्लेन मिरर। अच्छा, ये आइटम क्या कर रहे हैं अपन, ये अपन कर रहे हैं सिल्वरिंग, ताकि जो है रिफ्लेक्शन बढ़ जाए। रिफ्लेक्शन को ज्यादा करने के लिए अपन क्या करते हैं, इस पे सिल्वरिंग कर देते हैं, ताकि परसेंटेज ऑफ लाइट जो रिफ्लेक्ट होकर आ रही है वो हमारे लिए बढ़ जाए। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। हम लोग जो अपना चेहरा देखने के लिए कांच यूज करते हैं, क्या वो ऐसा होता है जैसे मान, या फिर ऐसा यूज करते हैं, मान मैंने ऐसा एक यूज कर लिया प्लेन मिरर, मान लीजिए मैंने इस तरह का मिरर यूज कर लिया, और दूसरा टाइप का मैंने मिरर यूज कर लिया इस तरह का, ठीक है, इसमें लाइट आएगी तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगी। कोई मान लीजिए कि यहाँ गिर रही होगी, यहाँ पे आप नॉर्मल डालिए, ये एंगल डालिए, वो रे ऐसे चली जाएगी। तो क्या हम जब चेहरा देखते हैं तो हम इस तरह का मिरर यूज करते हैं कि इस तरह का मिरर यूज करते हैं? इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे, मान लो कि हमने मान लो प्लेन मिरर यूज कर लिया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, इससे क्या होगी, रेज ऐसे जाएगी, रिफ्लेक्ट होके ऐसे आएगी, ये गई रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी, ये ऐसे गई रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पीछे एक पॉइंट से आती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन इस वाले में ऐसा नहीं हो पाएगा। तो हम लोग जब अपना फेस देखते हैं तो कौन सा वाला मिरर यूज करना चाहेंगे, प्लेन वाला कि रफ वाला? हम लोग प्लेन वाला यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि प्लेन वाले में आप देखेंगे तो सारी रेज जो है आपको एक ही पॉइंट से आती हुई दिखाई दे रही होगी, तो उससे अपने को इमेज अच्छी दिखाई देती है। इसलिए अपन जो है अपना फेस देखने के लिए प्लेन मिरर का उपयोग करते हैं, ना कि उबड़ खाबड़ टाइप का मिरर यूज करते हैं। तो ये खैर, ये किस तरह से इमेज बन रही है धीरे धीरे अपन देखते हैं कि प्लेन मिरर में किस तरह से इमेज का प्लॉटिंग होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे कि छोटी सी देखते हैं इमेज का प्लॉटिंग कैसे करते हैं, ना अपन ये तो जानते हैं I is equal to R और होना चाहिए, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल जो तीनों सेम प्लेन में, ये छोटी सी बात अपन पहले ही जान चुके हैं। खेला यहां से शुरू करते हैं, रियल वाला इमेज प्लॉटिंग किस तरह से की जाती है प्लेन मिरर के अंदर। इमेज प्लॉटिंग किस तरह से हम इमेज को प्लॉट कर सकते हैं? अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। इमेज बनाने के लिए हमें, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मिरर है, इमेज बनाने के लिए हमें यहाँ पे मान लीजिए ऑब्जेक्ट रख दिया, इमेज बनाने के लिए हमें दो रे की जरूरत होती है। अच्छा, आप रे समझ रहे हैं ना, ये ऐसे मान लो कि मैं ऐसे रे लेके जा रहा हूँ, ये यहाँ पे टप्पा खाएगी यानी रिफ्लेक्ट होगी, भाग के इधर चली जाएगी। अच्छा, ये रे क्या है आप समझ रहे, वैसे तो रियलिटी में वेव है ना, यहाँ से यहाँ तो वेव जा रही होगी, हम लोग यहाँ पे वेव नेचर मान के चल रहे हैं, बट ये रे बनाने का मतलब ये कि अपन इस पूरे को यहां से जो एनर्जी इस डायरेक्शन में जा रही है, जिस डायरेक्शन में एनर्जी जा रही है उस डायरेक्शन को अपन ने एज ए रे की तरफ मार्क कर लिया है ना, ऐसा नहीं कोई स्ट्रेट टाइप का ऐसा कुछ, इस डायरेक्शन में एनर्जी जा रही है तो उसकी जिस डायरेक्शन में एनर्जी जा रही है उसको एक रे से अपन रिफ्लेक्ट रिप्रेजेंट कर देते हैं। अच्छा भाई साहब, एक और रे की जरूरत पड़ेगी, कोई भी इमेज बनाने के लिए मिनिमम आपको दो रे की जरूरत पड़ती है, एक ये बना दिया, दूसरी अगर अपन ध्यान से देखें, मान लो कि ये वाला अच्छा एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल क्या होगा, थीटा, इसको मैंने थीटा वन बोल दिया, इसको थीटा टू बोल दिया, यहां से मैं एक और रे को लेके गया, इसने टप्पा खाया और इधर की तरह चले गए, टप्पा खाना मतलब रिफ्लेक्ट हो जाना,
माना कि ये एंगल थीटा 2 है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा थीटा 2, और ये लाइन और ये लाइन क्या है यहां पे नॉर्मल। अच्छा अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो रेखाएं हैं वो पीछे कहीं यहां से आती हुई प्रतीत हो रही है, यहां पे इसकी इमेज बनती हुई आपको दिखाई देगी। अगर आपकी आंख यहां पे है, यहां पे अगर आपकी आंख है तो आपको जो ये ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज यहां बनती हुई दिखाई देगी। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। अगर आप ध्यान से देखें, माना कि मैंने ये वाली दूरी को डीओ बोला। डीओ क्या है? डीओ है बेसिकली मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी, और ये वाली दूरी को मैं बोल रहा हूं डी आई। तो ये एंगल थीटा है, ये वाली लाइन ऐसी होगी, ये वाला एंगल भी थीटा होगा, तो क्या मैं ये नहीं प्रूव कर सकी ये वाली हाइट सेम है, तो क्या ये वाला और ये वाला सेम होना चाहिए? अरे ये वाला एंगल अगर थीटा 1 है तो ये वाला एंगल क्या होगा थीटा 1, और ये वाला अगर एंगल थीटा 1 है तो ये वाला एंगल भी थीटा 1 हुआ, ये वाला एंगल भी थीटा 1 आ गया, ये वाला एंगल थीटा 1, ये वाला एंगल भी थीटा 1, ये वाले हाइट सेम है, तो डीओ और डीआई कैसा होना चाहिए? टेन थीटा सेम होना चाहिए। इसका मतलब डीओ और डीआई क्या होना चाहिए? सेम सेम होना चाहिए। इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से जो भी होगा उतना ही इमेज पीछे की तरफ बन रही है, यानी कि इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन मिरर दोनों ही सेम आने लगे। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अच्छा अपने को ये समझ में आया, क्या इमेज बनाने के लिए हमें दो रे की जरूरत होती है? पहली क्या है, हमें दो रे की जरूरत होती है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। अच्छा अगर आप ध्यान से देखें तो अगर मान लो ये डीओ और ये वाली दूरी डीआई बराबर आ गई, तो हमको मान लो कि ऐसा कोई दे दे, ऐसा एक प्लेन मिरर, और यहां पे रख दिया ऑब्जेक्ट। अब क्या करेंगे भाई साहब? आप बोलेंगे क्या इसकी इमेज बनेगी? मैंने कहा इमेज बनेगी, किधर बनेगी? तो मास्टर ने बोला कि दो रे की जरूरत है। तो आप क्या कीजिए, यहां से मान लीजिए कोई भी एक रे ऐसे गई, ये ऐसे चला गया भाई साहब, और ये क्या कीजिए कि इस मिरर पे एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए, टिक 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 टिक, क्योंकि अपन जानते हैं कि ये दोनों, ये वाली दूरी आप ऑब्जेक्ट और इमेज को कनेक्ट करेंगे तो वो वाली लाइन इस वाले मिरर के परपेंडिकुलर होगी, और ये वाली दूरी और ये वाली दूरी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो आप क्या कीजिए, मिरर के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए। लोग बोले अच्छा ये सामने अगर मिरर इतना ही हो तो यहां पे अगर मिरर नहीं हो तो क्या करेंगे, मिरर को एक्सटेंड कर दे, फिर क्या करें यहां से इस पे परपेंडिकुलर डालें और इस वाली रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दें और परपेंडिकुलर को भी पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दे। अगर ये वाली दूरी डी होगी तो क्या ये वाली दूरी भी डी होगी? हाँ। तो अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, ये पता लग जाएगा कि इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी। अच्छा भाई साहब बहुत छोटी छोटी बातें यहाँ पर अपने को समझ में आई कि सबसे पहले अपने को क्या करना है, दो रे की जरूरत पड़ती है, दो रे की जरूरत पड़ती है एटलीस्ट, मतलब जो इमेज बनाने के लिए दो रे की जरूरत पड़ती है। तो सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे पहले आप जो है कोई एक रे बना दीजिए, फिर उसके बाद क्या कीजिए, मिरर पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए। अच्छा अगर मिरर जस्ट ऑब्जेक्ट के सामने नहीं हो तो मिरर को एक्सटेंड कर दो, उसके ऊपर क्या डाल दो, परपेंडिकुलर डाल दो। मान लो कि ऐसा हो सकता है ना, एक बार क्या हो कि ऑब्जेक्ट जो है इसके सामने रखा हो, एक बार ऐसा हो कि भाई साहब मिरर आपके पास ऐसा है, ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे, तो आप बोलेंगे आप परपेंडिकुलर कैसे डालें, पहले इसको एक्सटेंड कर दो फिर क्या करो इस पे परपेंडिकुलर डाल दो। अगर ये वाली दूरी एक्स होगी तो यहां कहीं इमेज बनेगी, उसकी दूरी भी एक्स होगी, इसमें कोई गलत बात नहीं। धीरे 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 अपन आगे बढ़ते हैं, एक छोटा छोटा सवाल करते हैं, बातें समझ में आए कि मिनिमम अपने को दो रे की जरूरत होती है इमेज बनाने के लिए। अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब अगर अपन ध्यान से देखें, मान लीजिए कि हमारे पास इस तरह का मिरर है, यहां पे मैंने एक मिरर रख दिया, टिक 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 ऐसा, ठीक है, और यहां पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक, और ये वाला एंगल है 45 डिग्री, ठीक। मान लो कि ये वाली दूरी है मेरे लिए 2 मीटर, है ना। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो हमें चाहिए कि इसकी इमेज कहां बनेगी, पता करते हैं भाई साहब। हमें ये पता है कि मिरर पे परपेंडिकुलर डाल दो, ये डाल दिया भाई साहब, जो दूरी ये वाली होगी उतनी दूरी पे पीछे की तरफ क्या मिलेगा हमें, उतनी दूरी पे पीछे की तरफ चले जाओ तो आपको क्या मिल जाएगा, इमेज मिल जाएगा। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये वाला 2 मीटर है, ये 45 डिग्री है, तो ये वाला आ जाएगा 2 into कौन सा वाला कंपोनेंट हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस है, ये सामने वाला साइन वाला, तो डिवाइडेड बाई 1/√2, यानी कि √2 मीटर। अगर ये वाली दूरी √2
मीटर है तो इमेज भी यहां से रूट टू मीटर जाने पे ही प्राप्त होगी, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो वैसे ये 45 डिग्री 45 भी होगा, ये 45 है तो ये वाला क्या हो जाएगा 45, और ये दो है अगर ये 45 है तो ये वाला एंगल भी क्या हो गया 45, ये 90 हो गया तो ये वाला क्या हो जाएगा 45, तो ये वाली दूरी 2 मीटर होगी, ये वाली भी क्या होगी 2 मीटर। तो अगर ये रूट 2 है तो ये वाला वैसे भी रूट 2 पे जब करेंगे तो इमेज आपको यहाँ बनती हुई दिखाई देगी। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। अगर अच्छा अगर आप ध्यान से देखें तो मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो एक्स एक्सिस पे है ना, इमेज कहाँ मेरी बनी वाई एक्सिस पे, अपने को अच्छा लगा भाई बहुत बढ़िया बहुत शानदार। अब अगर मैं ऐसा करूं, एक और सवाल एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि ये वाला एंगल 45 नहीं था, टिक 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 45 पे बड़ा आसान आ गया क्योंकि ये 45 था ये 45 था, ऑब्जेक्ट यहां से सीधा ये 2 मीटर होगा तो ये वाली दूरी भी 2 मीटर होनी चाहिए। मान लो कि ये वाला एंगल था 30 डिग्री, अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, और ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा हुआ है कहां पे यहां पे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ और ये वाली दूरी आपको दी 2 मीटर और आपसे पूछा कि इमेज के कोऑर्डिनेट बताइए, और ये वाली एक्सिस को मैं क्या मान रहा हूं, मैंने x एक्सिस मान लिया, ये वाली एक्सिस को मैंने y एक्सिस मान लिया, आपसे बोले कि इमेज की कोऑर्डिनेट बताइए, क्या करेंगे अपन समझदार, अपन क्या करेंगे मिरर को देखेंगे, मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर डाल देंगे और फिर कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, मिरर को हमने देखा इसके ऊपर हमने क्या डाल दिया परपेंडिकुलर, ओहो ये वाली दूरी जो भी होगी उतनी दूरी पीछे की तरफ चले जाओगे तो हमें इमेज की लोकेशन प्राप्त हो जाएगी, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, अगर ये 2 मीटर है तो अगर आप ध्यान से देखें और ये एंगल है 30 डिग्री तो ये वाली दूरी हो जाएगी 2 sin 30 डिग्री यानी 1/2 यानी ये वाली दूरी आई 1 मीटर। अच्छा अगर ये दूरी 1 मीटर है तो यहां से 1 मीटर आगे की तरफ जाने पे आपको क्या मिलेगा, आपको दिखाई देगी वहां पे आपको इमेज मिलेगी। अच्छा भाई इमेज के कोऑर्डिनेट मैंने मान ली x, y, अब मेरी जिंदगी का मकसद रह गया है ये x, y में पता कर लो। अच्छा भाई मैंने क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया है यहां से टिक 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 टिक, ये एंगल 30 होगा तो ये वाला एंगल भी क्या होगा 30 डिग्री। अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो गया है 60 डिग्री का एंगल और ये वाली दूरी है 2 मीटर और ये 1 और 1 क्या हो गया 2 मीटर। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2 तो क्या सामने वाला एंगल भी सेम होना चाहिए, मैंने कहा हाँ, और ये हो गया 60 तो बाकी रहे 120 और सामने होने चाहिए बराबर, तो ये वाला एंगल भी आ जाएगा 60 डिग्री और ये वाला एंगल भी क्या आ जाएगा 60 डिग्री। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, तो ये 2 मीटर होगा तो ये भी हो गया 2 मीटर, इसका मतलब ये वाली दूरी भी क्या होगी 2 मीटर। अब क्या मैं आई के कोऑर्डिनेट जो हैं वो पता कर सकता, मैंने कहा हाँ क्योंकि मेरे लिए अब कोई टफ चीज नहीं है, एक्स मेरे लिए क्या हो जाएगा ये वाली दूरी जो है वो एक्स है और ये वाली दूरी क्या है वाई है, एक्स को कैसे प्राप्त किया जाए, एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारे लिए 2 sin ये वाला कंपोनेंट, साइन होगा कोस, नहीं कोस होगा क्योंकि टोटल एंगल क्या हो गया आपके लिए 60 डिग्री, 2 cos 60 डिग्री और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा y = 2 sin 60 डिग्री। अच्छा भाई साहब कोस में अगर करेंगे तो 2 × 1/2 यानी 1 आ गया है और ये आ जाएगा √3/2 तो आपका आंसर होगा 1, √3। तो इस तरह से अपन जो है एक थोड़ा ठीक ठाक किस्म के सवाल भी सॉल्व कर पाएंगे, इसमें कोई गलत बात नहीं। अच्छा भाई साहब एक आध सवाल और देखते हैं, मान लीजिए आपको ऐसा बोलिए, अच्छा ये पॉइंट ऑब्जेक्ट रख ले, मान लो एक लंबा ऑब्जेक्ट रख लेते हैं कहीं पे, ये हो गया अपना एक्स एक्सिस, ये हो गया अपना वाई एक्सिस और हम क्या कर रहे हैं कि मिरर को इधर रखें कहीं भी रखें, मान लो कि यहां पे रखें और ये वाला एंगल बोल दिया आपको 45 डिग्री, ठीक है, और यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा ऐसा, कैसा है ऐसा ऑब्जेक्ट है, ये ए मान लिया मैंने और ये वाला क्या मान लिया बी मान लिया, आपको बोले कि इस ए बी की इमेज कैसी बनती हुई दिखाई देगी। अच्छा भाई साहब हम ये जानते हैं कि हम मान लें कि ये ऑब्जेक्ट ए है ये बी है ये ए बी ऐसा ऑब्जेक्ट है, तो क्या मैं ए पॉइंट की इमेज पता कर सकता, मैंने कहा हाँ, क्या मैं बी की पता कर सकता हूँ हाँ, तो दोनों को कनेक्ट करेंगे तो इमेज का एक आइडिया लग जाएगा। अच्छा भाई साहब
अगर आप ध्यान से देखें तो आपको क्या करना है, ये का पता करने के लिए इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालना होगा, इसका पता करने के लिए भी आपको इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालना होगा। आप समझदार हैं, ये एंगल 45 तो ये वाला एंगल भी क्या होगा 45, तो ए की इमेज कहां बनती हुई दिखाई देगी यहाँ पे, बी की इमेज कहां बनती हुई दिखाई देगी यहाँ पे। तो क्या आप क्या नहीं लगता आपको कि ऐसी इमेज बनती हुई दिखाई देगी, ये आपके पास हो जाएगा ए और ये आइटम क्या बन जाएगा बी। अच्छा अगर आप ध्यान से देखें तो आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या कहा था एक्स एक्सिस पे, इमेज कहां बनी वाई एक्सिस पे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था एक्स एक्सिस पे, इमेज बन गई वाई एक्सिस पे, या फिर ऐसा कर। तो अगर आप ध्यान से देखें एक्स वाले को वाई पे और वाई वाले को एक्स में लाना होगा, तो प्लेन मिरर को कहां पे रख सकते हैं 45 डिग्री के एंगल पे। अगर अपन प्लेन मिरर को रखेंगे तो आप एक्स को वाई पे और वाई को एक्स पे ला सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो अपने पास ऐसे खूब सारे सवाल आ सकते हैं, आसान आसान सवालों की बात करें। जैसे मान लीजिए कि भाई ये करते हो, अब बहुत कोई सस्ता सा सवाल दे, ये आप बोले कि आप मिरर कहां रखें, इधर रख लेते हैं इस बार, ठीक है। आप बोले कि यहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ वाई एक्सिस पे, कोऑर्डिनेट है 0.2, इमेज के कोऑर्डिनेट बताओ और ये वाला एंगल 45 और तो अपने को तुरंत बताएंगे कि भाई साहब y एक्सिस पे अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज दौड़ के कहां आएगी x एक्सिस पे, क्योंकि 45 डिग्री पे ये रखा हुआ है, आप इस पे परपेंडिकुलर डाल दो तो आपको यहां इमेज कहीं दिखाई देगी और कोऑर्डिनेट होंगे 2.0। तो एक चीज यहां पे समझ में आ गई, नोट बना के भी आप लिख सकते हैं कि अगर आपको एक्स वाले ऑब्जेक्ट को वाई में लाना हो, या मतलब हॉरिजॉन्टल वाले को वर्टिकल में लाना हो, या वर्टिकल वाले को हॉरिजॉन्टल में लाना है, तो हमें प्लेन मिरर का उपयोग करके ऐसा कर सकते हैं। प्लेन मिरर को आपको बीच में रखना होगा 45 डिग्री के एंगल पे। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। और अगर अपन अपने को यह समझना है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट हो तो बिल्कुल ऐसा कर लेंगे, लाइन वाला ऑब्जेक्ट हो तो दोनों एंड पॉइंट का पता कर लेंगे, एंड से एंड को ज्वाइन कर लेंगे, तो इमेज का आइडिया लग जाएगा। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। कुछ और तरह के सवाल मार्केट में आते हैं, कैसे आते हैं जरा ध्यान से, ऐसे मेडिकल वगैरह में ऐसे कुत्ते की भाई साहब। अच्छा एम्बुलेंस की जानकारी है, एम्बुलेंस के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो एम्बुलेंस लिखा होता है वो उल्टा लिखा होता है, ताकि जब वो सामने वाली गाड़ी का ड्राइवर आ रहा है उसकी आंखों में जो इमेज बनेगी वो एम्बुलेंस सही बने, इसलिए वहां पे उल्टा लिखा जाता है, ताकि आपको तो कई बार ऐसा बोला जाएगा कि भाई साहब यहां पे कोई आइटम बना देगा, मान लो कि ये आइटम पी बना दिया, यहां पे लिख दिया पी, इसकी इमेज बना, बता पाएंगे? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। या वो कैसा दिखाई देगा, ऐसा बनता हुआ दिखाई देगा, या फिर आप जो है एम्बुलेंस, ये तो आपने देखा ही होगा, ये उल्टा होता हुआ आपको दिखाई देता है, ऐसा आप बना सकते हैं ना, बी यू ई, मतलब ऐसा उल्टा करके बना सकते हैं, एम्बुलेंस में इसी चीज को यूज किया जाता। अच्छा कई बार और ऐसे सवाल आएंगे कि यहां पे कोई एक आइटम लिखा हुआ वर्ड और कांच रखा हुआ है आपने प्लेन मिरर, बताइए कि उसकी इमेज कैसी होगी, उम्मीद है कि आप कर पाएंगे। या कई बार आपको ऐसा पूछ लेगा कि घड़ी वाले सवाल आएंगे, एक सवाल लेते हैं अपन, एक सवाल लेते हैं, मान लो कि हमारे पास एक घड़ी है, ठीक है, इसमें कुछ टाइम आपको दिया हुआ है, टाइम आपको दिया हुआ है कि 3:40:45 हो रखे हैं, 3:40:45 हो रखे हैं, ठीक है, और इसको कहां रखा हुआ है, एक प्लेन मिरर के सामने रखा हुआ है, और आपसे क्या पूछा है कि उस वाले प्लेन मिरर में कितना टाइम दिखाई देगा, ठीक है, 3:40:45 इसमें हो रखा है, 3:40:45 होने का मतलब यहां ये हो गया अपना ये 3:06:09, ठीक है, तो यहां पे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, बहुत बढ़िया, 3:40 यानी जो घंटा वाला है वो 3 और 4 के बीच में कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है, 40:45 यानी कि यहाँ पे 30 हो गया, यहाँ 45 है, ठीक है, तो यहाँ पे होगा आपका मिनट वाला, और सेकेंड वाला कहाँ पे होगा, 45 सेकेंड पे यहाँ पे आ रखा। अच्छा 3:03:04 के बीच में 30 मतलब 4 के काफी पास 40 मिनट, यानी यहाँ पे
और 45 सेकेंड यानी ये यहाँ पे पहुंच गया। और आपसे ये पूछा है कि भाई साहब जब इसको कांच में देखेंगे तो कितना बजा हुआ दिखाई देगा, उम्मीद इसको होमवर्क में लिखते हैं, इसको ट्राई करें। अच्छा आप इस तरह के खूब सारे सवाल मार्केट में आएंगे कि ये आइटम यहाँ रखा हुआ है तो सामने प्लेन मिरर में वो कैसा दिखाई देगा। इन सबका एक बहुत आसान तरीका, जैसे आप एम्बुलेंस के बारे में बात करें या पी के बारे में प्राप्त करें, यहाँ कोई सा भी वर्ड लिखा हुआ उसकी इमेज कैसी बने, सबसे सिंपल तरीका है कि आप एक प्लेन पेपर लें उस पे वो लिख दें, ठीक है, थोड़ा सा जोर देके देखें ताकि वो पीछे की तरफ भी दिखाई दे, फिर आप पेपर को फ्लिप मार लें ऐसा, ठीक है, और फिर देख लें। अगर आप पेपर पे ऐसा पी लिखेंगे और उसको उल्टा करके देखेंगे तो ऐसा ही दिखाई देगा। तो क्या आप ऐसा यहाँ पे भी कर पाएंगे, क्या आप ऐसा यहाँ पे भी कर पाएंगे, बिल्कुल आप ऐसा कर पाएंगे, इस तरह के तमाम सवालों में ऐसा कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे रीजनिंग के एग्जाम में भी सवाल आते हैं कि ये ऐसा है, सामने प्लेन मिरर रखा हुआ है, बताइए कि इमेज कैसी होगी। अबे तू बना ले पेपर के ऊपर, फिर उसको उल्टा करके देख ले पीछे की साइड, थोड़ा घोट के ऐसा दबा के उसको बनाना ताकि पीछे की तरफ वो दिखाई दे। खूब सारे ऐसे छोटे मोटे एग्जाम होते हैं, इसमें रीजनिंग के भी सवाल ऐसे आते हैं। बाकी आप कह रहे नवोदय वाले तो आप तो ये एग्जाम बहुत पहले ही, मतलब फिफ्थ फोर्थ से भी ऐसे लॉजिकल रीजनिंग वाले सवाल पहले से ही सॉल्व करते रहे हैं। ठीक है, तो आगे अपन बढ़ते हैं और कुछ और देखते हैं कि भाई साहब जो ये प्लेन मिरर, एक छोटी सी बात देखते हैं कि जो इमेज प्लेन मिरर बना रहा है उसकी क्या प्रॉपर्टी। हालांकि आप जानते हैं बहुत ही आसान टेंथ लेवल की बात है, फिर भी अपन देखते हैं एक छोटी सी चीज, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म, जो इमेज फॉर्म हो रही है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज मतलब के, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया, यहां पे ऑब्जेक्ट रख दिया, इमेज कहां बनेगी, मैंने कहा टिक 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 टिक, इसको एक्सटेंड कर दो, ऐसा इस पे डाल दो, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, पीछे से आता हुआ दिखाई देगा, या इमेज बनती हुई दिखाई देगी, है कि नहीं है। या फिर आप जो है इस तरह का कुछ आइटम ले लो कि यहां पे आपने पी लिख दिया है तो आपको उल्टा ऐसा पी बनता हुआ दिखाई देगा। अच्छा एक चीज आप देखेंगे जरा ध्यान से, ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज पीछे की तरफ उतनी ही दूरी पे बन रही है जितना इमेज ऑब्जेक्ट से, मतलब मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी। ये तो बहुत ही आसान है। पहला पॉइंट अगर आप देखें तो डी ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, डी ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, इसमें कोई गलत बात नहीं। दूसरी बहुत छोटी सी बात अगर अपन देखें तो एक चीज आप ये पाएंगे कि क्या ये इमेज रियल है कि मतलब वर्चुअल है, क्या वास्तव में उस वाले इमेज को स्क्रीन पे लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता। आप ये पाएंगे कि ये वर्चुअल इमेज, हालांकि अपन रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा डेप्थ में अभी देखते हैं। अच्छा एक और चीज पाएंगे जो साइज होगी, जैसे हमारे अपना फेस देखते हैं, जो साइज का हमारा फेस होता है उतना ही हमें साइज का दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि जूम करके दिखा दिया, नाक को बड़ा करके दिखा रहा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो कोई मैग्निफिकेशन यहाँ पे नहीं होता। अच्छा एक चीज देखेंगे तो अपन ये देखते हैं कि राइट वाला पार्ट लेफ्ट में दिखाई दे रहा होता है और लेफ्ट वाला राइट में, यानी कि लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है। कैसी बनती है? लेटरली इन्वर्टेड। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत सामने। तो ये छोटी 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 कुछ बातें हैं कि भाई लाइट जो ऑब्जेक्ट से ये दूरी होगी, ये हो गया, हो गया यार, जितनी ये वाली दूरी होगी उतनी ये वाली होगी, एक वर्चुअल इमेज बनती हुई दिखाई देगी, लिटरली इन्वर्टेड होती है। ये टेंथ लेवल की बातें हैं, ये आप पहले ही पता कर चुके। अच्छा ये सीधा होगा तो ये सीधा ही बनेगा, मतलब ऐसा इन्वर्ट नहीं होगा, अपराइट होगा तो ये सीधा ही बनेगा। ये छोटी छोटी बातें जो है अपन टेंथ लेवल की बारे में टेंथ लेवल में पढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज आप हमने लेकिन ये वर्चुअल इमेज, ये थोड़ा सा आपको समझना है, ये वर्चुअल इमेज नाम का आइटम क्या है। या हम ये बोल रहे हैं ये ऑब्जेक्ट जो है वो रियल है और ये वाला वर्चुअल इमेज, ये बात थोड़ी समझ में नहीं है। थोड़ा सा अपन देखते हैं कि वर्चुअल और ये रियल ऑब्जेक्ट होते क्या है, है ना। अच्छा ऑब्जेक्ट क्या होता है ये बात करें, हर वो आइटम जो लाइट वाइट दे रहा हो जिसको अपन देख रहे हैं वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। जरा देखते हैं ऑब्जेक्ट और इनके बारे में थोड़ा सा ज्ञान लेते हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में ज्ञान लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सोर्स ऑफ लाइट, जहां से लाइट आ रही होती है हमारी आंखों की तरफ, जिसको हमें देखना होता है, वही हमारे लिए क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट होता है।
कल हमने बात की थी ना कि वो जो दो दो तरह की बात है कि एक इल्यूमिनेटेड होता है जिसके पास खुद का लाइट होता है, एक वो होता है जिसके पास खुद की लाइट नहीं होती लेकिन वहां पे लाइट जो है रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों तक पहुंच जाती है। अच्छा भाई साहब, फिर ये रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का ये क्या खेला है जरा ध्यान से देखें। अब अगर अपन ध्यान से देखें, मान लो कि मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा, जैसे हम अपना जो है फेस देखते हैं कांच के अंदर, तो हम तो रियल ऑब्जेक्ट हुए ना यार। अच्छा भाई, और यहाँ पे हमने हमने क्या लगा दिया, हमने मिरर लगा दिया। अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये पक्का बोल पाएंगे कि इमेज बनेगी यहाँ पे, और लाइट टिचुक दो लाइन अगर आप चाहें तो ऐसा बना सकते हैं, वो ऐसे ऐसे यहां से आती हुई प्रतीत होगी अगर हमने आंख को यहां रखा तो, है कि नहीं है। अच्छा भाई, कैसा ऑब्जेक्ट है, कैसा ऑब्जेक्ट, रियल है कि वर्चुअल? ये रियल ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये हमने रखा हुआ है, ये रियल ऑब्जेक्ट। इस तरह के ऑब्जेक्ट जहां से लाइट जो जा रही होती है वो ऐसे डाइवर्ज होती हुई बीम दिखाई देगी, यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट और लाइट आपको ऐसा जाता हुआ दिखाई देगा, उस तरह के ऑब्जेक्ट को बोलते हैं रियल ऑब्जेक्ट। अच्छा, तो ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कि भाई मतलब लाइट जो है कन्वर्ज भी हो जाए? मैंने कहा हाँ, यही वाला प्लेन मिरर अगर आप ध्यान से देखें और लाइट जो है आपके पास कुछ ऐसा आता हुआ दिखाई दे, यहाँ पे टप्पा खाएगी और वो कैसे रहेगी, यहाँ पे आती हुई दिखाई देगी, है कि नहीं है? अच्छा भाई, तो यहाँ पे जो लाइट आ रही है वो कहाँ से आती हुई आपको प्रतीत हो रही होगी? वो आपको कहीं ऐसे ऐसी जगह से आ रही है, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। लाइट कैसे आ रही है, यहाँ पे कन्वर्ज होती हुई दिखाई दे रही है, और यहां पे डाइवर्ज होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ऑब्जेक्ट का छोटा छोटा आइडिया लगा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में से लाइट जो है वो डाइवर्ज होती हुई दिखाई दे रही है तो इस तरह का ऑब्जेक्ट हमारे लिए क्या हो जाएगा, रियल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और लाइट जो है कन्वर्ज होती हुई दिखाई दे रही हो तो इस तरह का जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो हमारे लिए हो जाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, है ना? और ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा कहां पे, टिक 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 टिक, इसको आप ऐसा बना लीजिए तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, है ना? और ये आपके पास क्या बन गई, इमेज। तो आपको ऐसा लग रहा है कि भाई लाइट जो है वो कि कहीं ऐसे आती हुई दिखाई दे रही है, तो कन्वर्ज वाले केस में ये जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे लिए क्या हो गया है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और ये कैसा ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास रियल ऑब्जेक्ट। तो एक छोटा छोटा आइडिया लगा कि भाई साहब ऑब्जेक्ट के बारे में कब हम रियल बोल पाएंगे, कब हम वर्चुअल बोल पाएंगे, क्या इमेज के केस में भी ऐसा होगा? मैंने कहा हाँ, इमेज में अगर आप ध्यान से देखें, जैसे ये वाला इमेज है, ये कैसा इमेज है, रियल है कि वर्चुअल है? ये वाला वर्चुअल इमेज है, ठीक है? अब आप एक छोटे से एग्जाम्पल से देखते हैं, मान लो कि इमेज के बारे में जानकारी हमें लेनी है, बहुत ही आसान बात है, बट यहाँ पे देख लेते हैं क्योंकि आगे खूब जगह आएंगे, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, ये वो रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज, ये उसका ये वो, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट रियल और वर्चुअल का मतलब क्या है, इमेज रियल और वर्चुअल का मतलब क्या है। अब अगर अपन ध्यान से देखें, मान लीजिए कि हमने एक लेंस ले लिया है, जाकि आप जानते हैं इसके बारे में, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, अब 10th की नॉलेज के हिसाब से आप जानते हैं कि इसकी इमेज कहीं यहाँ बन जाएगी, यहाँ जो इमेज बन रही है वो रियलिटी में रे यहाँ पे मीट हो रही है, एक रे और बनानी हो आपको तो यहाँ से ऐसा बना लीजिए, मिनिमम दो रेज की जरूरत होगी, है ना? इमेज, अच्छा इमेज क्या है, इमेज वो वाली पॉइंट है जहां पे दो रेज के का इंटरसेक्शन हो रहा है और एक पॉइंट प्राप्त हो रहा है, अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा तो पॉइंट इमेज बनेगी, तो ये वाले पॉइंट को मैंने इमेज बोला। यहाँ पे अगर रियलिटी में रेज इंटरसेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है तो इस तरह की इमेज को प्यार से क्या बोलते हैं, इस तरह की इमेज को प्यार से बोलते हैं ये रियल इमेज। क्या इस वाली इमेज को स्क्रीन पे लिया जा सकता? मैंने कहा हाँ, रियल इमेज कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, इसको अपन स्क्रीन पे ले सकते हैं, यह है ना? अच्छा भाई, स्क्रीन रखी होगी तो वहां पे वो बनती हुई दिखाई आपको देगी। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो क्या वर्चुअल इमेज भी होती है? मैंने कहा हाँ, कैसे? मैंने कहा आप जैसे मान लो कि आप आगे कांच रखा हुआ 1 मीटर की दूरी पे, आप यहाँ खड़े हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी इमेज मिरर के उस साइड क्या है, 1 मीटर की दूरी पे बन रही है, वहां पे 1 मीटर की दूरी पे आप स्क्रीन रख लो, क्या कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा?
नहीं बन रहा होगा रियलिटी में ऐसा कुछ। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी इमेज जो है वो आपसे 1 मीटर की दूरी पे है, या आपको ऐसा लग रहा है जैसे जैसे आप मिरर के पास में जाएंगे, जैसे जैसे आप पास में जाएंगे आपको ऐसा लग रहा है कि सामने से आप जैसा ही आदमी बस थोड़ा सा लिटरली इन्वर्टेड पास में आ रहा है, दोनों आपस में हाथ भी ऐसे मिला सकते हैं, लेकिन क्या रियलिटी में उधर पे कोई आ रहा है? ऐसा नहीं है। तो वो आपको ऐसा लग रहा है वो कैसी इमेज है? वो वर्चुअल इमेज है। अच्छा वर्चुअल इमेज कब बनेगी हमें यहाँ पे कैसे समझ में आएगा? मैंने कहा अगर ये रेज रियलिटी में इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई दे तो वो रियल इमेज होगी, और अगर रियलिटी में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हो, एक्सटेंड करवा के अपन इंटरसेक्ट करवा रहे हैं, तो उस तरह की इमेज को अपन क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज। अरे ये वाली इमेज हमारे लिए कैसी होगी? वर्चुअल इमेज। अगर अपन यहां से समझाएं, मान लो कि ये मिरर हो गया, यहाँ पे अपने पास ऑब्जेक्ट हो गया, ये एक ये लो वाइस, ये जो रेज है वो आती हुई दिखाई दे रही होगी यहां से, लेकिन क्या सही में वहां जाके इंटरसेक्ट कर रही है? नहीं कर रही है। तो एक बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इसको आप ध्यान पूर्वक यहाँ पे देख लें ताकि आगे जाके कोई दर्द नहीं हो। आगे आपको खूब ऐसे सवाल आएंगे, ये लेंस वो मिरर ये स्पेरिकल ये वो, बोलेगा रियल ऑब्जेक्ट का ये बना रहा है, वर्चुअल का ये बना रहा है, तो आपको फिर वहां पे रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल ये वो उसका कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पे जो जो आपके पास जो रेज है वो कैसी होती हुई दिखाई दे रही है? कन्वर्ज होती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पे जो रेज है जिनका इंटरसेक्शन करवा रहे हैं वो कैसे हो रही है? डाइवर्ज होती हुई दिखाई दे रही है। तो इमेज आपको कैसे प्राप्त हो रही है? वर्चुअल इमेज। तो अपने छोटा छोटा नोट बना के मतलब जो इस बात को समराइज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट के लिए बात करते हैं, किसके लिए? ऑब्जेक्ट के लिए या तो रेज क्या होगी? डाइवर्ज या फिर कन्वर्ज। डाइवर्ज कन्वर्ज। अगर डाइवर्ज हो रही हो तो कैसा ऑब्जेक्ट होगा भाई साहब? अगर ये डाइवर्ज हो रही है तो हमारे लिए ऑब्जेक्ट हो गया है रियल ऑब्जेक्ट, है ना। और अगर कन्वर्ज होती हुई दिखाई दे रही हो, रेज कन्वर्ज होती हुई दिखाई दे रही हो, तो वो कैसा ऑब्जेक्ट हो गया है? वो एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें कोई गलत बात नहीं है। अच्छा अगर ऐसी बातें, पहली वाली बातें हमने कर दी ऑब्जेक्ट के लिए, दूसरी बातें करते हैं इमेज के लिए। इमेज के केस में लाइट अगर डाइवर्ज हो रही हो और कन्वर्ज, डाइवर्ज वाले देखें कहां पे डाइवर्ज होती हुई दिखाई दे रही, यहां से डाइवर्ज होती हुई दिखाई, तो यहां पे आपको कैसा कैसा इमेज प्राप्त हो रहा है? वर्चुअल इमेज प्राप्त हो रहा है। और इस वाले केस में कन्वर्ज होती हुई दिखाई दे रही है, तो कैसा इमेज प्राप्त हो रहा है? रियल इमेज प्राप्त हो रहा है। कौन से वाले इमेज को स्क्रीन पे लिया जा सकता है? रियल इमेज को स्क्रीन पे लिया जा सकता है, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे नहीं लिया जा सकता। आगे जाके कभी ऐसा जिंदगी में ऐसे मतलब जो है सवाल सॉल्व करने पड़ेंगे धीरे धीरे हमें, कि बहुत सारी इमेज बनेगी, आपको बोलेगा कितनी इमेज को स्क्रीन पे लिया जा सकता है, तो आप कौन सी वाली इमेज को वहां पे कंसिडर करेंगे? सिर्फ रियल वाली को इमेज को ही कंसिडर करेंगे। वैसे इमेज में दोनों भी बन सकती है रियल और वर्चुअल, बट स्क्रीन पे कौन सी ली जा सकती है? रियल इमेज को ही आप स्क्रीन पे ले सकते हो। एक छोटा सा आइडिया हमको ये लगा कि भाई साहब यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट और इमेज का ये खेला होता क्या है। आगे बढ़ते हैं और छोटी छोटी बातें और करते हैं। हमने पहले पढ़ा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, उसका थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म में देखते हैं। खूब सारे सवाल आते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वेक्टर से हम पहले ही जानते हैं वेक्टर क्या होते हैं। देखिए ये रहा हमारे पास एक प्लेन मिरर, ठीक है। इधर से हमारे पास मान लीजिए ये आ रही है इंसिडेंट रे, ये हो गया नॉर्मल टिक 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 टिक, टप्पा खाते इधर जा रही है, ठीक है। इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, इसको रिफ्लेक्टेड बोलते हैं, ये आई और ये आर, मान लीजिए थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? थीटा। मैं क्या बोल रहा हूँ, इंसिडेंट रे के अलोंग मेरे पास एक वेक्टर है, ठीक है। और मान लीजिए वो वेक्टर कैसा यूनिट वेक्टर है, तो उसमें उसको ए कैप लिख देता, और जो नॉर्मल है उसके अलोंग जो
यूनिट वेक्टर है उसको मैं एनके बोल रहा हूं, और जो रिफ्लेक्टेड रे है इसके अलोंग के वेक्टर को मैं बोल रहा हूं बी के। अच्छा भाई, मैं चाहता हूं कि मैं ए कैप एन कैप और बी कैप के बीच में एक रिश्ता स्टेबलाइज करूं। तो अब अगर अपन ध्यान से देखें तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसी फोटो को थोड़ा थोड़ा सा ऐसा बना रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, ये ए वेक्टर ऐसा ए कैप, मैं उसको उल्टा कर दे रहा हूं, तो ये वाला वेक्टर मेरे लिए क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ ए कैप, और बी कैप मेरे लिए ऐसा है इस तरह का वेक्टर, और बीच का ये वाला एंगल क्या है थीटा, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा थीटा। अगर आप ध्यान से देखें तो क्या मैं इन दोनों का, इसका इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा ए कॉस थीटा, ये वाली लेंथ होगी ना, और इसका इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा बी कॉस थीटा, और ए कैप और बी कैप का मैग्नीट्यूड तो वन है। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि बी कैप और उसको एड कर दीजिए माइनस और ए कैप, इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो क्या आ जाएगा भाई साहब, वन इंटू ये 1 into cos theta, यानी 1 cos theta, और ये वाला b cap into cos theta, और b cap खुद ही क्या है 1 है, यानी a cap और b cap का magnitude की अगर अपन बात करें तो वो तो 1 ही है ना, तो ये वाली वैल्यू इस पूरे का magnitude उधर की तरफ क्या आएगा 1 cos theta 1 cos theta 2, टोटल आइटम क्या हो जाएगा 2 cos theta। अच्छा भाई साहब, ये है magnitude इनका। अच्छा अगर डायरेक्शन की बात करें तो ये जो बी कैप माइनस ए कैप होगा इसका मैग्नीट्यूड तो आ गया 2 cos थीटा, और डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में है कौन एन कैप है, तो क्या मैं एन कैप से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या मेरे को बी कैप माइनस ए कैप की का मैग्नीट्यूड तो पहले ही पता है, और उसको यूनिट वेक्टर से उस डायरेक्शन में प्राप्त किया, तो ये वाला वेक्टर प्राप्त हो गया। अब अगर अपन ध्यान से देखें, मैं इन दोनों का डॉट लूं, माइनस ऑफ ए कैप और एन कैप का, माइनस ऑफ ए कैप डॉट एन कैप, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, तो ए आपके पास इसका मैग्नीट्यूड है क्या है 1 है, सेकंड वाले का मैग्नीट्यूड भी 1 है, बीच का एंगल क्या है, मैंने कहा बीच का एंगल है कॉस थीटा। तो यहां से आप ध्यान से देखेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू आपको प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है माइनस ऑफ ए कैप डॉट एन कैप। अच्छा हम ये क्यों पता कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 cos थीटा प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका यूज कर लेंगे भाई यहाँ पे, इसको उठा के कहाँ डाल देंगे यहाँ पे, तो ये कार्यक्रम आ जाएगा b cap माइनस a cap इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ माइनस ऑफ a cap डॉट n cap इनटू n cap। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो b cap इज इक्वल टू a cap, और इसको इधर लेके जाइए तो माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ ए कैप डॉट एन कैप इनटू एन कैप। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको बी कैप ए कैप और एन कैप के बीच में एक रिश्ता आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ए कैप क्या है, ए कैप है इंसिडेंट रे के अलोंग का यूनिट वेक्टर, एन कैप क्या है नॉर्मल के अलोंग का यूनिट वेक्टर, और बी कैप क्या है, बी कैप है रिफ्लेक्टेड रे के अलोंग का यूनिट वेक्टर। तो मार्केट में अगर कोई सभी सवाल आए कि इंसिडेंट रे ये रही, नॉर्मल मतलब जो है मिरर आपको बोल देगा एक्स वाई प्लेन में, वो वाले प्लेन में, तो एन कैप दिया रहेगा, बताइए कि रिफ्लेक्टेड रे जो है किधर जा रही होगी। अगर आपको ये रिश्ता पता होगा तो आप तुरंत पता कर पाएंगे बी कैप इज इक्वल टू ए कैप माइनस ट्वाइस ऑफ ए कैप डॉट एन कैप इनटू एन कैप। चलिए एक सवाल के सवाल से देखते हैं, एक सवाल देखते हैं, सवाल बोल रहा है कि मिरर रखा हुआ है एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में क्या रखा हुआ है मिरर। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, और जो इंसिडेंट रे है उसकी डायरेक्शन आपको दी हुई है 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप, इस डायरेक्शन में क्या आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रही है इंसिडेंट रे, ठीक है इंसिडेंट रे। आपको क्या बोला है डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ये आपको सवाल में पूछा है, बहुत शानदार। अब अगर अपन ध्यान से देखें, और हमें सवाल में बोला है कि जो मिरर रखा हुआ है वो कौन से वाले प्लेन में रखा हुआ है, एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है। अगर एक्स वाई प्लेन में मिरर रखा हुआ है तो क्या स्टाइल मार के मेरे को ये नहीं बोल दिया कि एन कैप क्या होगा, मैंने कहा हाँ अगर ये एक्स है ये वाई है तो ऊपर की डायरेक्शन में मेरे लिए क्या हो जाएगा एन कैप हो जाएगा, ये एक्स हो गया मेरे लिए ये वाई है, मिरर अगर इसमें होगा तो ऊपर की डायरेक्शन यानी कि मेरे लिए बाहर की तरफ जो होगा के कैप, यानी मेरे को स्टाइल मार के बोला है कि एन कैप इज इक्वल टू के कैप। अच्छा ए कैप क्या दिया हुआ, मैंने कहा हाँ
इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में अपने को दी हुई है, यानी कि वो आपको इंसिडेंट रे एक वेक्टर में दिया हुआ, क्या ये यूनिट वेक्टर? मैंने कहा नहीं। तो क्या ए कैप पता किया? जैसे मैंने कहा ए कैप होगा वेक्टर ए डिवाइडेड माई मोड ऑफ दिस वेक्टर, यानी कि वो आ जाएगा टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाई दो का हो गया चार प्लस नौ प्लस एक, यानी कि ये हो गया टोटल दस प्लस चार, यानी कि हो गया रूट चौदह। अच्छा भाई, ये हमें ए कैप प्राप्त हो गया। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए बी कैप। तो बी कैप मेरे लिए हो जाएगा, बी कैप मेरे लिए हो जाएगा ए कैप माइनस ट्वाइस ऑफ ए कैप डॉट एन कैप इंटू एन कैप। ए कैप की वैल्यू क्या दी हुई है? टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाई रूट फोर्टी माइनस ट्वाइस ऑफ ए कैप डॉट एन कैप। ए की वैल्यू होगी टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाई रूट फोर्टी इंटू क्या आ जाएगा? एन कैप, जो कि क्या है? के कैप। इंटू क्या आ जाएगा? एन कैप, जो कि क्या है? के कैप। बहुत बढ़िया भाई साहब, ऐसे ही मतलब जो रायता फैला रहे, बाकी बहुत ही आसान सी चीज है। टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाई रूट फोर्टीन माइनस, अब आप जानते हैं के का के के साथ डॉट लेंगे तो माइनस वन आ जाएगा, माइनस वन इंटू ये सब तो जीरो आएगा, माइनस वन और माइनस टू मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या प्लस का टू के कैप बन जाएगा? यस। डिवाइडेड बाई कितना आएगा? मैंने कहा रूट फोर्टीन। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको प्राप्त हो गया है टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाई रूट फोर्टीन। ये भाई साहब क्या है? ये आपको बी कैप प्राप्त हो रहा है, यानी कि ये रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है कि नहीं यार? अगर ये पूछा हो तो ये बता देना। कल को आपको बोल दे कि रिफ्लेक्टेड रे का वेक्टर बताइए, तो आप भाई साहब मैग्नीट्यूड से काहे डिवाइड करेंगे? टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस के कैप, ये आपके पास क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या हो जाएगी? इंसिडेंट रे, है कि नहीं है? ये इंसिडेंट होगी, ये रिफ्लेक्टेड होगी। तो ऐसा कोई सा भी सवाल आ जाए तो आप पता कर पाएंगे, इसमें कोई टफ चीज नहीं है। आगे जाके अपन डेविएशन वगैरह पढ़ेंगे कि ये वेक्टर हो गया, ये फाइनल वेक्टर हो गया, क्या आप इन दोनों दोनों वेक्टर के बीच का एंगल पता कर सकते? मैंने कहा तो क्या आप ये पता कर पाएंगे कि ये जो इंसिडेंट रे थी और जो रिफ्लेक्टेड रे थी उनके बीच का एंगल क्या है? पता किया जा सकता है? अरे आप तो ये बहुत आसान हो गया ना, वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ, कोई दो वेक्टर के बीच का एंगल आप वेक्टर से निकाल सकते हैं। अरे यार ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस, ठीक है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी। तो ये वो कोई टफ चीज नहीं है। धीरे धीरे अपन आगे जाएंगे तो इस तरह की छोटी छोटी बातें अपन करते रहेंगे, मतलब वेक्टर का यूज करते आगे बढ़ते हैं और वही पता कर लेते हैं कि उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन वगैरह की बात करते हैं। पहले अपन जान लेते हैं कि वो एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है। वैसे नाम से पता लग रहा है कि इंसिडेंट रे कितनी डेविएट हुई है, कितने एंगल से, आइए पता करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। छोटी छोटी बातें प्लेन मिरर को अपन पढ़ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा डेप्थ में पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा आसान आसान तरीके से सब चीज को पढ़ रहे हैं, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन ये क्या आइटम है, जरा ध्यान से देखिए, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए कि ये हमारे पास प्लेन मिरर था, ठीक है, इधर से लाइट आती है, टकराती है और इधर कट लेती है, तो ये डेविएट हो गई, इनकी जिंदगी इधर घूम गई है डेल्टा से। तो ये वाला जो एंगल होगा वही मेरे लिए प्यार से कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन। अगर ये एंगल थीटा रहा होगा, ये आई रहा होगा, तो ये आर रहा होगा, आर और आई बराबर है, और ये स्ट्रेट लाइन है, टोटल एंगल पाई रहेगा, तो क्या मैं डेल्टा को पाई माइनस टू आई बोल सकता? बिल्कुल बोला जा सकता है। अच्छा क्या ये इंपॉर्टेंट है कि सेंस क्या है? मैंने कहा हाँ, सेंस बताना जरूरी है, यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि उसकी सेंस भी इंपॉर्टेंट रहेगी। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, तो बहुत ही आसान सी चीज होगी, ये रिफ्लेक्शन होगा तो डेल्टा आ जाएगा पाई माइनस टू आई। एक छोटा सा सवाल देखते हैं, मान लीजिए कि आपको कोई बोले यार ये लो, ये ले 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 भाई साहब, एक प्लेन मिरर, यहां से एक रेखा आती है, यानी एक रे आ रही है लाइट की, मान लीजिए कि ये वाला एंगल जो है वो 37 डिग्री है, तो उससे कोई पूछ दे कि एंगल ऑफ डेविएशन बता, है ना, तो तू समझ गया कि क्या पूछा जा रहा है, तू ये जानता है कि टिक 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 ये वाला एंगल भी होगा 37 डिग्री, ये वाला पूछा डेल्टा होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वैसे भी वो 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ आई, आई की वैल्यू होगी 37 डिग्री, तो ये आइटम क्या आ गया है? ये आ गया 180 माइनस 4,
और 3 2 6 और 1 7 है, तो 10 106 आ गया। 106 डिग्री कौन सी वाली डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अच्छा क्या इसको और टफ किया जाता है? मैंने कहा टफ और क्या करना, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, दो दो तीन बार रिफ्लेक्शन करवा देगा, है कि नहीं? देखिए जरा ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि मैं आपसे कुछ ऐसा पूछूं, यार मैं मान लीजिए कि मैं आपसे कुछ ऐसा पूछूं, यार यहां पे एक मिरर है, यहां पे एक मिरर है, ठीक है, इन दोनों के मध्य का ये एंगल है 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री, ये मिरर वन बोल दिया मैंने, इसको टू बोल दिया, यहां से लाइट रे आ रही है और मान लीजिए कि उसका जो है एंगल यहां पे नॉर्मल के साथ जो एंगल है वो दिया हुआ है 30 डिग्री। आपसे बोला कि दो रिफ्लेक्शन के बाद में टोटल डेविएशन क्या होगा, टोटल डेविएशन क्या होगा? अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, क्या ये यहां से टकराएगी? मैंने कहा इधर जाएगी, क्या इसके बाद उधर उधर भाग जाएगी, क्या यहां पे भी डिवीजन आएगा? एक बार रिफ्लेक्शन हुआ तो पाई माइनस टू आई हुआ, फिर यहां पे भी आएगा। तुमसे क्या पूछा? तुमसे पूछा डेल्टा टोटल क्या होगा। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, कितने रिफ्लेक्शन के बाद में? दो के बाद में। तो एक छोटी सी चीज को इसको अपन जनरलाइज कर लेते, मान लीजिए कि ये वाला एंगल थीटा है और ये वाला अपन 30 क्यों लेते, कुछ भी ले लेते हैं ना, ऐसा करता हूं थोड़ा सा इसको जनरलाइज ही कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये वाला मिरर ऐसा है और ये वाला मिरर ऐसा है, थोड़ा टफ करने के लिए एक एक की बजाय दो कर देंगे, फिर तीन कर देंगे, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, एक बार रिफ्लेक्शन हुआ पाई माइनस टू आया, देख बहुत आसान है। मान लीजिए कि ये वाला एंगल थीटा हो गया और रे जो है वो ऐसे आई और मान लीजिए कि ये वाला एंगल आई है, टपक आया उसने, टपक आने के बाद ये इधर की तरफ जाएगी, ये एंगल आई है तो ये वाला एंगल आई होगा, इसमें कोई लाज शर्म वाली बात नहीं है, हम तो जानते हैं कि भाई साहब ये आई है तो यहां से डेविएशन वन प्राप्त हुआ। कौन सी डायरेक्शन में? मैंने कहा क्लॉकवाइज, क्या डेल्टा वन को मैं पाई माइनस टू आई क्लॉकवाइज बोल सकता हूं? मैंने कहा हाँ, एक बार रिफ्लेक्शन हुआ तो पाई माइनस टू आई, पता करने में कोई बात, और साथ में ये डायरेक्शन लिखते रहने का, क्योंकि अगर सेम सेंस में होगा तो एड हो जाएगा, ऑपोजिट में होगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कोई बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं है। अच्छा यहां पे आ गए, अब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो कुछ और अलग हो गया। मान लीजिए कि मैंने इसको मान लिया है अल्फा, मान लिया या कुछ भी मान लिया, मान लो कि एक्स मान लिया, मान लो कि एक्स मान लिया, एक्स मान लिया, तो ये फिर जो है यहां से टप्पा खाने के बाद वापस जो है इधर भाग गई। मान लीजिए कि दो ही रिफ्लेक्शन हुआ, ऐसा हो भी सकता है कि वो टप्पा खाने के बाद में यहां से कहीं और भी जाए। अभी अभी मैं क्या कर रहा हूं, दो ही रिफ्लेक्शन ले रहा हूं, फॉर टू रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये एंगल एक्स होगा, यहां पे आपको एक और डेविएशन आता हुआ दिखाई दिया, कौन सा डेविएशन? अच्छा डेविएशन आप समझ रहे हैं ना, इंसिडेंट रे जो है कितने से घूम गई, तो ये डेल्टा टू प्राप्त होगा। डेल्टा टू की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? पाई माइनस टू इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल क्या है यहां पे आपके लिए? ये आपका था नॉर्मल और ये था इंसिडेंट रे, उसके साथ था एंगल एक्स, यानी पाई माइनस टू एक्स आपके लिए था। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो ये वाला आई होगा, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 माइनस आई, और ये वाला क्या हो जाएगा? 90 माइनस एक्स। तो अगर आप ध्यान से देखें, थीटा प्लस 90 माइनस आई प्लस 90 माइनस एक्स, ये वाला खेला होना चाहिए 180 डिग्री। क्या बोलते हो? 90 90 हो गया 180 और ये गायब हो गया, क्या बोलते हो? अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो थीटा माइनस आई माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से एक्स की वैल्यू आई थीटा माइनस आई, क्या बोलते हो? है कि नहीं है? तो क्या मैं एक्स को यहां से उठा के ड्रॉ यहां पर डाल दू? मैंने कहा हाँ, ये मेरे लिए हो जाएगा पाई माइनस ट्वाइस ऑफ थीटा माइनस आई, ये केला हो गया पाई माइनस टू थीटा माइनस टू आई, बहुत बढ़िया भाई साहब, पाई माइनस टू थीटा माइनस 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 यहां पे हो जाएगा प्लस। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, और ये कौन सी सेंस में जी? ये भी क्लॉकवाइज सेंस में है ना, ना? अच्छा अब आपको बोलेगी टोटल जो डेल्टा हुआ है वो आपके पास क्या हुआ है, तो आप बोलेंगे डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, इसलिए मैं ये बोल रहा था कि क्लॉकवाइज और ये है ना एंटी वाक होता, तो फिर आपको जो इसको इसको प्लस में लेते तो ये वाला क्या होता? माइनस में, हालांकि यहाँ पे दोनों की सेंस सेम है, तुरंत उसको ऐड कर दें। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, डेल्टा वन की वैल्यू होगी पाई माइनस टू आई और डेल्टा टू की वैल्यू आ रही है पाई माइनस टू थीटा प्लस टू आई। अगर आप ध्यान से देखें तो टू आई ने टू आई की बत्तियां गायब कर दी है, टू पाई माइनस टू थीटा, कौन सी वाली सेंस में? क्लॉकवाइज सेंस में, कौन सी वाली सेंस में? क्लॉकवाइज सेंस में। अच्छा अगर आप ध्यान से देखें तो एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं,
ध्यान से देखो यहाँ पे, बहुत ज्यादा ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो जो डेल्टा नेट आया है यहाँ पे, दैट इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ आई, आई पे डिपेंड ही नहीं करता, देखिए जरा ध्यान से। अच्छा, और एक ऐसे ही मैं बोलूं तो मेरे लिए आया है 2 पाई माइनस 2 थीटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कौन सी वाले डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या फिर मैं इसी बात को उल्टा भी तो बोल सकता हूं कि 2 थीटा आप चल जाएगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, अरे 2 पाई माइनस 2 थीटा अगर आप क्लॉकवाइज में जाएंगे, उल्टा आप चले जाइए 2 थीटा कहां पे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें तो ये अगर मिरर 1 बोल दूं मैं, है ना, और ये वाले को 2 बोल दिया मैंने, बोला ना, अगर आप ध्यान से देखो पहले वाली जो है ना इंसिडेंट रही वो आपको पहले मिरर पे गिर रही है ना, और वो सेकंड आपके रही है, तो आपका आंसर आ रहा है 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज, अगर आप जिस मिरर पे रे गिर रही है उसको पहला मान लें, और जो जो पहला नहीं होगा वही तो सेकंड होगा ना यार, पहले से लेके सेकंड की तरफ जाए कितना जाए 2 थीटा, तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 रिफ्लेक्शन के बाद का टोटल डेविएशन मिल जाएगा, कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं। लोग बोलेंगे इसका फायदा क्या हुआ, मैंने कहा इसका फायदा देख मैं इसका आंसर तुरंत बता सकता हूं क्या आएगा, मैंने कहा ये मेरे लिए पहला मिरर है, क्यों, क्योंकि पहले बात पे जिस पे लाइट गिर रही होती वही पहला होता, और ये वाला क्या होगा सेकंड, तो क्या लाइट यहां से टपका के उधर जाएगी, 2 रिफ्लेक्शन के बाद में इसका आंसर मैं डायरेक्ट बता सकता हूं, मेरे लिए इसका आंसर होगा, थीटा की वैल्यू है 60, तो मेरे लिए आंसर होगा 2 थीटा, यानी 120 डिग्री, कौन सी वाली सेंस में होगा, पहले वाले मिरर से लेके दूसरे की तरफ जाओ, पहला ये है ओ, क्या आंसर आना चाहिए 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। लोग बोलेंगे हम नहीं मानते, आइए चेक करते हैं क्या आंसर यही आएगा, मैंने कहा देखते हैं भाई चेक करते हैं, हमने बताया कि 120 डिग्री आएगा, अब हम चेक करें, मान लो ये एंगल 30 है, तो ये रे जो है यहां से टप्पा खाने के बाद में इधर की तरफ जाएगी, मैंने कहा ये एंगल 30 हो गया बहुत बढ़िया, तो ये एंगल 60 हो गया, मैंने कहा हाँ, तो यहाँ पे डेविएशन क्या आ गया है, मैंने कहा यहाँ डेल्टा 1 आया है, यहाँ का डेल्टा 1 पता कर लेते हैं, डेल्टा 1 हो गया है आपका 180 माइनस 2 थीटा, थीटा आपका था 30 डिग्री, तो आंसर क्या आ गया है, आंसर आ गया है आपका पास 180 माइनस आपके पास 60 यानी 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ये आ गया है 120 डिग्री, है ना 120 डिग्री, कौन सी वाली सेंस में आया है वो अपने पास, वो आ रहा है आपके पास एसी वाली सेंस में, ऐसे जा रहे थे कौन सी वाली सेंस में, क्लॉकवाइज सेंस में, आया कि नहीं आया, पहले आप ऐसे जा रहे थे ऐसे घूमेंगे, अब आप यहाँ पे देखिए ये एंगल 60, ये वाला 60, तो ये वाला क्या हुआ 60, बहुत बढ़िया भाई, यहाँ पे क्या डाल दिया आपने नॉर्मल, तो ये वाला एंगल क्या हुआ 31, अच्छा भाई ये वाला 30 हुआ, तो यहाँ पे आप वापस कैसे जाएंगे इस नॉर्मल से 30 डिग्री के एंगल पे जाएंगे, बहुत बढ़िया भाई साहब, आओ पता करते हैं कि यहाँ पे डेविएशन क्या आएगा, डेल्टा 2 पता करते हैं, डेल्टा 2 जो है डेल्टा 2 पता करते हैं, डेल्टा 2 कैसा आएगा, ऐसा आएगा ना, हाँ डेल्टा, डेल्टा 2 की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा 2 की वैल्यू हो गई आपके पास, और ये आपके पास कौन से सेंस में था, सॉरी पहला वाला आपके पास था क्लॉकवाइज, और डेल्टा 2 भी आपके पास आ रहा है क्लॉकवाइज सेंस में, क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ 30 डिग्री, यानी ये भी क्या आ रहा है 120 डिग्री क्लॉकवाइज, तो डेल्टा नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 120 CW, तो आंसर आया 240 क्लॉकवाइज। अच्छा मैं इसी बात को बोलूं कि भाई साहब 360 माइनस 240 120 डिग्री ACW, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, यानी आप 240 डिग्री क्लॉकवाइज घूमो या 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमो, तो आंसर तो सेम ही आया ना यार, दोनों बातें सेम है, तो हमने तो तुरंत बता दिया था कि आंसर आएगा 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा एक बार पुनः बता दें कि कई बार ये फायदे का सौदा होता है, हमको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है, जैसे हमको कोई सवाल दे तो अपन तुरंत जो है उसके आंसर तक पहुंच जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई बोले कि यार इधर से रे आ रही है, ऐसा कुछ भी ऐसा बोल दे यार, मतलब ये वाला एंगल दिया और आपसे ये वाला एंगल दिया और बोला कि 2 रिफ्लेक्शन के बाद में डेविएशन क्या होगा, तो आप फास्ट बता देंगे कि ये वाला मिरर 1 हो गया ये वाला 2 हो गया, जैसे मान लो कि मैं कोई एग्जांपल लूं उसके लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा, यहां पे लिख लेते हैं
आ रहा होगा, ऐसा है मिरर, ये वाला ऐसा है। मान लीजिए टिक 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 टिक, ये वाला एंगल मान लीजिए 60 डिग्री, ठीक है, और रे ऐसे आ रही है, रे रे इस पे टप्पा खा के इस पे जा रही है, तो ये वाला फर्स्ट हो जाएगा, ये वाला सेकेंड होगा। तो अगर आप फर्स्ट से सेकेंड की तरफ जाएंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आएगा वन से लेके सेकेंड की तरफ, यानी आप कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो टोटल दो रिफ्लेक्शन के बाद में टोटल जो डिफ्लेक्शन आएगा वो आ जाएगा आपके लिए 120 डिग्री फर्स्ट से लेके 2 थीटा। थीटा क्या है, ये वाला एंगल है ना, आंसर क्या है 2 थीटा। 2 थीटा कौन सी वाली सेंस है, फर्स्ट से लेके सेकेंड तक आप कैसे थे, एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा कोई आपको और एग्जाम्पल एग्जाम्पल दे दे, मान लो कि ये ऐसा हो, ये एंगल मान लीजिए है 40 डिग्री, रे ऐसे आ रही है, दो रिफ्लेक्शन के बाद में टोटल डेविएशन बताएं, तो आप कैसे बताएंगे, हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि दो के बाद में आंसर क्या आने वाला है, ये मेरे लिए फर्स्ट हो गया, ये वाला सेकेंड हो गया, तो मुझे अगर फर्स्ट से सेकेंड की तरफ जाना होगा तो मेरे को जाना पड़ेगा क्लॉकवाइज सेंस में, आंसर आएगा 80, यानी नेट जो डेविएशन आएगा वो आंसर हो जाएगा 80 डिग्री CW सेंस के अंदर। तो ये बहुत कोई टफ चीज नहीं है, पहले बात आप समझ गए कि भाई साहब जो भी नेट डेविएशन आएगा दो रिफ्लेक्शन के बाद में वो इंसिडेंट एंगल पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। हम लोग ये पूछ ही नहीं रहे कि भाई साहब ये एंगल क्या है, अरे आपने ये थोड़ी पूछा कि ये एंगल क्या है, ये वाला एंगल क्या है, क्योंकि वो उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। चलो भाई साहब बहुत बढ़िया, अच्छा लगा हमें थोड़ी सी PhD की। लोग बोलेंगे 3 रिफ्लेक्शन होगा क्या होगा, मैंने कहा 10 भी हो सकते 15 भी, तू बस ये सोच कि एक एक जगह क्या हुआ π-2 आई, साथ में सेंस लेक, यहाँ पे भी लेक, वहां पे भी लेक, सब जगह लेक, लास्ट में तेरे को बोला जाएगा टोटल डेविएशन, तो Δ1 Δ2 जो भी Δn है उसको ऐड कर। लेकिन ध्यान रखें कि सेंस आपको पता होनी चाहिए, जैसे मान लो कि आपने CW को पॉजिटिव माना है तो ACW क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, सेंस का आइडिया मतलब पहले पता कर लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया भाई साहब अपने पास, ये क्या हो गया हमने ये पढ़ लिया कि यार डिवीजन क्या चीज होती है और कैसे उसको पता किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और एक छोटी सी चीज देखते हैं, रोटेशन ऑफ मिरर। कई बार ऐसे सवाल आएंगे मिरर मिरर को घुमा देंगे या लेजर लाइट को घुमा रहे हैं, ये घुमा रहे हैं वो घुमा रहे हैं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब एक चीज देखते हैं अपन, रोटेशन ऑफ मिरर, रोटेशन ऑफ मिरर, जरा ध्यान से देखें। पहले अपन इस बात को साबित करते हैं क्या होता है। मान लीजिए कि अपने पास एक मिरर है, ठीक है, इधर से कौन आ रही थी, लाइट आ रही थी, इसने टप्पा खाया मतलब रिफ्लेक्ट हुई और इधर चली गई, बहुत बढ़िया। ये था, ये कौन है, ये कौन है, ये है नॉर्मल। अच्छा मान लीजिए कि ये वाला एंगल आपके पास आई था, तो इसने टप्पा खाने के बाद में ये भी आर हुआ होगा, जो कि किसके बराबर, आई के बराबर। ये आपके पास कौन सा था, नॉर्मल था पुराना, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं, ये मिरर वाला जो है ना, मिरर कैसे रखा हुआ है आपके लिए, मिरर आपके पास रखा हुआ है ऐसे, तो हम इस मिरर को ऐसे घुमा दे रहे हैं, मिरर को ऐसे थीटा से घुमा दे रहे हैं। जरा ध्यान से देखें, मिरर को मैं कैसा कर रहा हूं, ऐसे कर दे रहा हूं, यानी मैंने थीटा से इस मिरर को घुमा दिया। अच्छा मिरर को ऐसे घुमाएंगे थीटा से, तो क्या ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो थी, मतलब लाइन जो थी, मतलब जो नॉर्मल थी सॉरी, वो भी ऐसे थीटा से घूम जाएगी। मैंने कहा हाँ, ये एंगल भी थीटा आ जाएगा, ये मेरे लिए एंड एस आएगा। क्या इंसिडेंट रे में कोई चेंज होगा, मैंने कहा नहीं, वो तो अपना काम कर रही है। तो पहले इंसिडेंट रे का एंगल था आई, अब जो इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल क्या बन जाएगा, तो आप बोलेंगे साहब अब जो एंगल है वो थीटा प्लस आई हो जाएगा। तो क्या रिफ्लेक्टेड रे यहीं पे होगी, मैंने कहा नहीं। अच्छा ये जो रिफ्लेक्टेड रे है पुरानी वाली, उसका यहां से एंगल क्या है, इसका एंगल अगर आपको पता हो तो ये टोटल एंगल है आई और ये वाला एंगल है थीटा, तो ये वाला एंगल होगा आई माइनस थीटा, क्या बोलते हो। और नई वाली रिफ्लेक्टेड रे ऐसी कुछ आएगी, ऐसे ये आर डैश आ गई। हम चाहते हैं कि हम ये पता कर लें कि जो नई वाली रिफ्लेक्टेड रे है वो पुरानी वाली से कितना घूम गई है। अच्छा मतलब हमें यही एंगल चाहिए, अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। अगर ये वाला एंगल नॉर्मल से जो इंसिडेंट का ये एंगल है थीटा प्लस आई, तो ये एंगल क्या होना चाहिए, ये भी होना चाहिए थीटा प्लस आई, क्योंकि नॉर्मल से जो एंगल इंसिडेंट बना रही होगी वही वाला रिफ्लेक्टेड एंगल होना चाहिए। हम जानते हैं कि एंगल आई और एंगल
आर बराबर होना चाहिए। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, अच्छा भी लगा। तो इसका मतलब जो है, हमें अब ये वाला एंगल पता करना है। तो हमें ये पता लग गया कि ये एंगल क्या है, ये एंगल है थीटा माइनस आई, और ये वाला एंगल क्या है, वो है मतलब थीटा प्लस आई, ये वाला थीटा प्लस आई, और ये वाला मैंने कहा आई माइनस था, आई माइनस थीटा। तो अगर हमें ये वाला चाहिए होगा तो क्या करेंगे, मतलब पूरे में से ये वाला घटा देंगे, यानी कि थीटा प्लस आई माइनस थीटा। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। ओ हो, ये क्या हुआ, थीटा प्लस आई माइनस आई प्लस थीटा, अरे ये तो टू थीटा आ गया। अरे ये क्या हुआ, ये हुआ कि अगर आप मिरर को थीटा से घुमाएंगे, थीटा से घुमा दिया, तो आपका जो रिफ्लेक्टेड रे है वो टू थीटा से घूम गया है, सेम सेंस में। कौन सी सेंस में, सेम सेंस। अगर आपने उसको सी डब्ल्यू में घुमाया तो आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी टू थीटा से घूम गई। इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्या आपके भेजे में डेरिवेशन घुस गया। अगर आपने मिरर को ऐसे 15 डिग्री से घुमा दिया होगा तो ये रिफ्लेक्टेड रे सेम सेंस में, यानी कि इसी डायरेक्शन में 30 डिग्री से घूम जाएगी। इसमें कोई गलत बात नहीं है। खूब सारे इसमें सवाल बनाए जा सकते हैं, जो कि अपन अभी देखते हैं वन बाई वन करते हुए। खूब सारे सवाल, एक बहुत आसान सवाल से करके शुरू करते हैं। मान लीजिए कि अपना जो मिरर है वो ऐसा है, और यहां से लाइट आ रही है, ये एंगल मान लीजिए कि 15 डिग्री है, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है तो 15 डिग्री। मान लीजिए कि मैंने ऐसा कुछ किया, इस वाले मिरर को इधर घुमा दिया, थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री से, तो ये रिफ्लेक्टेड रे, अब रिफ्लेक्टेड रे वर्टिकल से कितना एंगल बना रही होगी, पहले क्या बना रही है, 15 डिग्री। अब मैंने थीटा से यानी 15 डिग्री से इस मिरर को घुमा दिया, अब कोई आपसे बोले कि रिफ्लेक्टेड रे वर्टिकल से कितना एंगल बना रही है, क्या बता पाएंगे क्या। अगर मैं इसको 15 डिग्री से घुमाऊंगा तो ये रिफ्लेक्टेड रे घूमते हुए कहीं यहाँ पे आ जाएगी, और ये कितना घूमी होगी, ये वन घूमी होगी 30 डिग्री, यानी 2 × 15 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो अब रिफ्लेक्टेड रे का वर्टिकल से कितना एंगल होगा, तो आपका आंसर होगा 45 डिग्री। अगर आप मिरर को थीटा ये यानी 15 डिग्री से घुमा रहे हैं तो रिफ्लेक्टेड रे आपके लिए कितनी घूम जाएगी, 30 डिग्री से, सेम सेंस में। पहले इसका वर्टिकल से एंगल 15 था, तो आज क्या हो जाएगा, 15 + 30 = 45। तो इस तरह के सस्ते सवाल तो बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। चलिए थोड़ा सा ठीक ठाक सवाल अपन देखते हैं। मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूं कि मिरर यहां पे, और यहां से अपने पास लाइट आ रही है, ठीक। यहां पे एक स्क्रीन है, कैसा स्क्रीन है, सर्कुलर स्क्रीन है, ठीक है, सर्कुलर स्क्रीन, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसकी इमेज बन रही होगी ना यहाँ पे, मैंने कहा हाँ ऐसे गया होगा, टिक 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 टिक, ये वाला एंगल अगर थीटा होगा तो ये वाला एंगल क्या होगा, थीटा, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, ओमेगा से इसको घुमा देगा, मतलब मिरर को ड्रो ड्रो मिरर ऐसा ऐसा रखा हो तो उसको ओमेगा रेडियन पर सेकेंड की रेट से इसको घुमा रहा। आपसे बोला जाए कि ये जो लेजर लाइट, मान लीजिए यहाँ पे लेजर लाइट, तो यहाँ पे एक स्पॉट बनता हुआ दिखाई देगा, इमेज, ये स्पॉट क्या ऐसे मूव कर रहा होगा, मैंने कहा तो वो रफ्तार आपको पता करनी है कि वो कितनी रफ्तार से मूव कर रहा होगा, ये रफ्तार आपको पता करनी है। और माना कि ये वाली जो बीच की दूरी है वो आपको दे दे डी, है ना, सर्कुलर स्क्रीन है, इस पॉइंट से उसकी दूरी डी दी हुई है। आपको बोले कि मिरर को हमने रोटेट किया है ओमेगा रेडियन पर सेकेंड से, बताइए कि जो स्क्रीन के ऊपर जो इमेज बन रही होगी, जो स्पॉट बन रहा है, इसकी रफ्तार क्या होगी, क्या पता कर पाएंगे। जरा ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये पता कर पाएंगे कि इसकी जो रफ्तार होगी, अगर अच्छा इसको ओमेगा से घुमा रहे होंगे तो ये जो लाइन है वो कैसे घूम रही होगी, ये ओमेगा डैश से घूम रही होगी। क्या मैं ओमेगा डैश और ओमेगा मैं इसका पता कर सकता, मैंने कहा हाँ, ओमेगा डैश होगा 2 ओमेगा, कैसे, मैंने कहा अगर ये थीटा घूम रही होगी कि किसी भी टाइम में ये थीटा बढ़ रहा होगा, यानी कि ये जो है वो ऐसे थीटा से घूम रहा होगा इधर की तरह, तो ये वाली उधर 2 थीटा घूम रही होगी। ओमेगा खुद ही होता क्या है, डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी, तो टाइम डी टी टाइम में अगर ये मिरर डी थीटा घूम रहा होगा तो ये रिफ्लेक्टेड रे उधर की तरफ, डी टी टाइम के अंदर मिरर मेरे लिए घूम रहा होगा डी थीटा, उसी टाइम में इसी डी टी टाइम में जो रिफ्लेक्टेड रे
रिफ्लेक्टेड रे है वो घूम रही होगी 2d थीटा, तो इसका d थीटा बाई dt जो है वो ओमेगा होगा, तो इसका 2d थीटा बाई dt यानी कि ये ओमेगा डैश वो क्या हो जाएगा 2 ओमेगा, और ये वाला स्पोर्ट क्या कर रहा है सर्कुलर कर रहा है, तो इसकी रफ्तार v हमारे लिए क्या हो जाएगी v इज इक्वल टू इसका ओमेगा इंटू आर है, और ओमेगा की वैल्यू क्या है 2 ओमेगा, और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी डी, इतना मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ये लेजर लाइट का ये स्पोर्ट जो है वो स्क्रीन पे चल रहा होगा, है कि नहीं यार। तो इस तरह से सवाल बनाया जा सकता है। अच्छा इसको क्या डिफिकल्ट किया जाए, हाँ सर्कुलर की बजाय अगर मान लीजिए कि यही वाला ऐसा स्ट्रेट होता, स्क्रीन अगर सीधी होती तो क्या होता, देखिए अगर मैं ऐसा बोलूं, सवाल चेंज कर देते, मान लो ये 1 होगा तो वो 2 पे, मैं ऐसा कर रहा हूं कि ये सर्कुलर नहीं है भाई साहब, कैसा है ये ऐसा स्क्रीन है, वर्टिकल स्क्रीन है, ऐसा स्ट्रेट स्क्रीन है, ऐसा स्क्रीन है। अब आपसे बोला जाए कि यहां पे जो स्पोर्ट बनेगा इसकी रफ्तार इधर की तरफ भी होगी, वो रफ्तार बताइए, इसकी रफ्तार जो इधर की तरफ भी होगी वो रफ्तार हमें बताइए। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया बहुत शानदार, आपसे ये बोला कि भाई इस वाले मिरर को अगर अपन ओमेगा रेडियन पर सेकंड की रफ्तार से चला रहे हैं तो जो स्पोर्ट बन रहा है इसकी रफ्तार आप बताइए, क्या करेंगे जरा ध्यान से देखिए, इसकी रफ्तार पता करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं ये, अच्छा तो पिछले वाले सवाल में किया है, मान लो उसके हिसाब से करते हैं मेथड 1 उसके हिसाब से कि अगर ये स्क्रीन ऐसी होती है कि नहीं, इसको ओमेगा से घुमा रहे होती तो ये जो है इधर की तरफ जा रहा होता, ये वाली रफ्तार होती आपके पास, अच्छा ये और मान लीजिए कि ये वाली दूरी आपको क्या दी हुई है, इस बार ये वाली दूरी आपको डी दी है, तो डी आपका रेडियस नहीं होगा, क्या रेडियस क्या हो जाएगा आपके पास, आर की वैल्यू डी सेक थीटा है ना, मान लो कि ये वाला एंगल मेरे लिए थीटा है तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा डी सेक थीटा, तो ये वाली रफ्तार क्या हो जाएगी, ये रफ्तार अच्छा इसको ओमेगा से घुमा रहे हैं तो ये वाली कैसे घूम रही होगी 2 ओमेगा से, तो ये होगी ओमेगा डैश इनटू आर है ना, तो ओमेगा डैश मेरे लिए 2 ओमेगा हो गया और आर की वैल्यू क्या हो गई ये डी सेक थीटा है कि नहीं है। अच्छा भाई साहब इतने से ये उधर जा रहा होगा, लेकिन अब अगर अपन ध्यान से देखें कि ऐसी स्क्रीन है नहीं तो रियलिटी में ये जा कैसे रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, और ये वाला एंगल अगर थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला क्या हो जाएगा थीटा, तो अगर आप ध्यान से देखें क्या है वी का ये वाला कंपोनेंट वी कोस थीटा मस्ट बी इक्वल टू 2 ओमेगा डी सेक थीटा, मैंने कहा हाँ, तो वी की वैल्यू मेरे लिए क्या क्या आ जाएगी 2 ओमेगा डी और कोस थीटा उधर लेके जाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा, तो ये मेरे लिए आंसर हो जाएगा, इतनी रफ्तार से ये वाला स्पोर्ट जो है नीचे की तरफ आ रहा होगा वर्टिकल स्क्रीन पे। अच्छा भाई साहब लोग बोले हम नहीं मान रहे किसी और तरीके से बता सकते हो, मैंने कहा हाँ मेथड सेकंड देखते हैं एक और तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए कि ये वाली जो है हाइट है वाई, ठीक है तो ये वी है क्या बेसिकली डी वाई वाई डी टी तो है ये वाई कम हो रहा है ना, क्या मैं यहां से इस वाले ट्राइंगल में देखिए ये 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 मेथड सेकेंड में मैं क्या कर रहा हूँ टेन थीटा लिख रहा हूँ, क्या मैं टेन थीटा को वाई बाई डी लिख सकता हूँ, y की वैल्यू यहां से आ जाएगी d tan थीटा, मैं क्या कर रहा हूं दोनों साइड डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो मेरे लिए जो y आ जाएगा यानी ये वाली वैल्यू आ जाएगी dy by dt is equal to dy by dt is equal to d sec square theta d theta divided by dt, अब अगर अपन ध्यान से देखें थीटा मैंने यहां से लिया है ना, ये अगर ओमेगा से घूम रहा होगा तो ये वाला एंगल कैसे कैसे वेरी कर रहा होगा, मतलब ये थीटा जो है ये ओमेगा से घूम रहा होगा तो ये वाला कैसे कम हो रहा होगा, तो यानी कि ये वाली वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 2 ओमेगा के बराबर आ जाएगी है ना, थीटा मैंने रिफ्लेक्टेड रे से लिया है एंगल मिरर से और ये वाली वैल्यू क्या, अच्छा और ये थीटा वैसे कम हो रहा है, थीटा कम हो रहा है तो ये माइनस में आएगा और डी बाई बाई डी टी भी नेगेटिव है तो ये भी माइनस में आएगा, माइनस माइनस वैसे कट जाएगा तो बी की वैल्यू मेरे लिए क्या आ गई है 2 ओमेगा डी से स्क्वायर थीटा है कि नहीं है, जो कि आपको यहाँ पे भी आती हुई दिखाई दे रही, तो इस तरह से खूब सवाल आपको जो है मिलेंगे, ये आइटम को घुमा देगा कभी इसको घुमा देगा कभी इसको घुमा देगा, मतलब इस तरह के सवाल जो है आप सॉल्व कर पाएंगे, इसमें कोई बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट की बात इतनी है कि अगर आप मिरर को थीटा से घुमा देते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे उसी सेंस में 2 थीटा से घूम जाती है, इसका ओमेगा होगा तो उसका 2 ओमेगा होगा,
इसका अल्फा होगा तो इसका टू अल्फा होगा। अरे एंगुलर एक्सेलरेशन ऐसी सारी बातें अपन बोल पाएंगे। अगर आपका दिल नहीं भरा हो तो एक आध सवाल और अपन ले लेते हैं, एक और सवाल लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक मिरर है ऐसा, ठीक है, इसे मैंने नॉर्मल बना दिया और इधर से क्या आ रही है, इंसिडेंट रे आ रही है और ये एंगल की कितना है 30 डिग्री। आपको बोले कि मिरर को कितना घुमाएं कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो हॉरिजॉन्टल हो जाए, क्या हो जाए, हॉरिजॉन्टल हो जाए, यानी कि आप मिरर को कितना घुमाएं, बाय व्हाट एंगल मिरर शुड बी रोटेटेड सो दैट द रिफ्लेक्टेड रे बिकम हॉरिजॉन्टल। अभी कैसी है भाई साहब रिफ्लेक्टेड वाली, मैंने कहा टप्पा खाने के बाद रिफ्लेक्टेड रे ऐसी आएगी, ऐसे ये एंगल 30 है, ये वाला एंगल क्या हुआ 30। हम लोग क्या चाहते हैं कि मिरर को कितना घुमाया जाए कि ये रिफ्लेक्टेड रे हॉरिजॉन्टल हो जाए। तो रिफ्लेक्टेड रे को हॉरिजॉन्टल कैसे किया जा सकता है, जरा ध्यान से देखिए। इसको मैं इधर ले आऊं, इधर ले आऊं मतलब क्या, ये बाद में ऐसी हो जाए टिक 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 टिक, तो मिरर को कुछ ऐसा लेके आना पड़ेगा। यानी मेथड नंबर वन कि मैं ऐसे कुछ लाऊं और रिफ्लेक्टेड रे फाइनली ऐसे हो जाए, मैंने कहा एक तरीका ये है, है ना। एक और तरीका क्या है, एक और तरीका ये है कि मैं रिफ्लेक्ट इधर की तरफ आऊं, रिफ्लेक्टेड रे जो है ऐसा हो जाए, रिफ्लेक्टेड रे ऐसा हो जाए मतलब मिरर को मेरे को ऐसे घुमाना पड़ेगा, ये मैं मेथड टू बोल रहा हूं। तीसरा तरीका ऐसा हो कि मैं मिरर को अभी ऐसे रखा हुआ ना, इतना घुमाऊं कि रिफ्लेक्टेड रे घूम के यहां से घूमते हुए ऐसे हो जाए, ऐसा हो सकता है, अभी रिफ्लेक्टेड ऐसा आ जाए, ये मैं मेथड तीन बोल रहा हूं। क्या मैं तीन तरीके से रिफ्लेक्टेड रे को हॉरिजॉन्टल कर सकता, मैंने कहा मेथड वन देखते हैं। मेथड वन में मुझे क्या करना पड़ेगा, रिफ्लेक्टेड रे को यहां से यहां लाना, हॉरिजॉन्टल करना है, तो मुझे रिफ्लेक्टेड रे को घुमाना पड़ेगा, रिफ्लेक्टेड रे ये घूमेगी मेरे लिए, ये 30 हो गया तो ये क्या हो गया 60, यानी रिफ्लेक्टेड रे घूमेगी 60 डिग्री क्लॉकवाइज सेंस में। इस ऐसा करने के लिए मुझे मिरर को कितना घुमाना पड़ेगा, ऐसा करने के लिए मुझे मिरर को 30 डिग्री घुमाना पड़ेगा, कौन सी वाली सेंस में, क्लॉकवाइज सेंस में ही घुमाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं मिरर को 30 डिग्री घुमाऊंगा तो रिफ्लेक्टेड रे 60 डिग्री अपने आप घूम जाएगी, क्या ऐसा किया जा सकता, मैंने कहा यस। तो एक तरीका ऐसा हो गया कि एक आंसर होगा 30 डिग्री क्लॉकवाइज मिरर को घुमा दीजिए, रिफ्लेक्टेड रे अपने आप 60 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाएगी तो हॉरिजॉन्टल हो जाए। सेकंड तरीका क्या है कि मैं मिरर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाऊं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊं इस तरह से कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो ऐसी हो जाए, इसका मतलब वो कितने घूम जाए 120 डिग्री घूम जाए, अरे वो यहां से ऐसे हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे घूम जाए मेथड सेकंड में 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे घूम जाए। ऐसा करने के लिए मुझे मिरर को घुमाना पड़ेगा 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्या ऐसा घुमाया जा सकता है, मैंने कहा हाँ मिरर को ऐसा कर दीजिए भाई, अभी ऐसा है तो बाद में 60 डिग्री घुमाओगे मिरर ऐसा हो जाएगा, तब रिफ्लेक्टेड रे कैसी हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। अच्छा भाई दोनों तरीके, तीसरा मेथड मैं देखता हूं, तीसरे मेथड में अगर आप ध्यान से देखें तो मुझे क्या करना होगा, इस रे को ऐसे घुमा के ऐसे करना है मतलब मुझे रिफ्लेक्टेड रे को घुमाना होगा 60 प्लस 180 यानी हो गया है 240 डिग्री, कितना 240 डिग्री घुमाना, अरे मतलब ये हो गया 180 प्लस 60 यानी 240 हो गया, ये वाला 180 और प्लस 60 240, कौन सी वाले डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज सेंस में। ऐसा करने के लिए मुझे मिरर को घुमाना पड़ेगा 120 डिग्री क्लॉकवाइज, क्योंकि ये इसका डबल है कि नहीं है। अच्छा अगर मैं 120 डिग्री क्लॉकवाइज में घुमाऊंगा है कि नहीं है, तो आप ध्यान से देखें होगा क्या, अभी ऐसा रखा हुआ है ना, और इसको मैं 120 डिग्री घुमाऊंगा, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो काली वाली सरफेस है सिल्वरिंग जिस साइड किया हुआ है, क्या वो ऐसा, मान लीजिए कि ये वाली साइड को सिल्वरिंग कर किया, 120 घुमाएंगे तो क्या वो ऐसे नहीं आ जाएगा,
क्या ये सिल्वरिंग वाला पार्ट अब ऑब्जेक्ट के सामने आ जाएगा? मैंने कहा तो क्या इमेज बनेगी? मैंने कहा नहीं, जब इमेज ही नहीं बनेगी तो भाई साहब जब रिफ्लेक्टेड रे, मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे आएगी ही नहीं, तो हॉरिजॉन्टल होने का सवाल फिर पैदा नहीं होता है। ये वाला केस कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके पास जो मिरर होगा वो ये वाली साइड ऊपर आ जाएगी, इधर आपके पास जो लाइट आ रही है सिल्वरिंग साइड होगी जो इधर लाइट को फेस कर रही होगी, और उस वाले केस में फिर रिफ्लेक्टेड रे आएगी ही नहीं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो थर्ड वाला जो है वो केस हमारा पॉसिबल नहीं है। तो इस सवाल के आंसर दो हो गए, एक ये कि मिरर को आप घुमा लो 30 डिग्री, कौन सी वाली सेंस में? क्लॉकवाइज सेंस में। और एक क्या है, 60 डिग्री आप घुमा लीजिए एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। दोनों ही केस में आपके लिए जो है रिफ्लेक्टेड रे हॉरिजॉन्टल होती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के बात यह है कि कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, अगर आप थीटा से मिरर को घुमा दे रहे हो तो रिफ्लेक्टेड रे आपके पास घूम जाएगी। उसी सेंस में 2 थीटा से, ये ओमेगा से, तो वो 2 ओमेगा से। बाकी मार्केट में ऐसे हजारों सवाल बनाए जा सकते हैं, कॉन्सेप्ट अगर तेरे भेजे में उतर जाएगा तो सवाल सॉल्व करना आसान है। वैसे सवाल मतलब खूब सारे सवाल बनाए जा सकते हैं, अगर तेरे पास कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझा रहेगा तो उन सवालों को आप डील कर पाएंगे और बहुत अच्छे से उसके आंसर तक भी पहुंच पाएंगे। तो इस वाले लेक्चर में बस इतना ही। अभी प्लेन मिरर खत्म नहीं हुआ है, हम आगे और पढ़ेंगे, वेलोसिटीज की बारे में बातें करनी है, बहुत सारी इमेज, कितने नंबर ऑफ इमेज बनेंगे, उस तरह के सारे सवाल हमें देखने हैं। तो अभी मतलब जो नेक्स्ट वाला लेक्चर होगा उसमें भी अपन प्लेन मिरर के बारे में ही ज्ञान ले रहे होंगे। उम्मीद है कि आप जो है इन सारी बातों को बहुत सीरियसली सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे और साथ ही साथ नोट्स बना रहे होंगे। नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, अन्यथा जो ये खेला है आपको लग रहा होगा कि भाई वीडियो रख लेंगे, देख लेंगे, वो सब पॉसिबल नहीं है। खूब सारे वीडियो हो जाएंगे, फिर आपको समझ में भी नहीं आएगा कि भाई कौन सा कब देखना है, टेस्ट से पहले देख भी नहीं पाएंगे सारे। तो बेटर है कि आप नोट्स बनाएं, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। नोट्स आपको अपनी भाषा में नोट्स बनाने हैं, मतलब जो भी यहाँ ले दिखाया जा रहा है उसको नोट, सवाल वगैरह लिखिएगा, जो चीज यहाँ पे ले दिखाई जा रही पूरा उसको नोट कीजिएगा, अच्छे से उनके नोट्स बनाइए। लेक्चर 2 में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।